दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए HMT 5911। ये 59 HP का ट्रैक्टर है और ये 18 तवो के हरों में ट्रैक्टर चल रहा है, साथ में सुहागा बांध रखा है। 59 HP 4 सिलेंडर। HMT 5911 दोस्तों अब इस ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे, इनके ओनर से मिलवाएंगे, वो आपको बताएंगे कैसा ट्रैक्टर है। दोस्तों ये HMT 5911 59 HP का ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, इसके ओनर से मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो HMT आपने कब लिया था? मैंने 2 साल हो गए। ये कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है? 1985 मॉडल ट्रैक्टर, लेकिन कंडीशन काफी साफ है। आपने रंग रोगन करवाया था, ये ऐसा ही लिया था? ऐसा ही लिया। ये कितने HP का ट्रैक्टर है जी? 59 HP का। ये कितने सिलेंडर है जी? ये 4। ये फिर आपने जो आजकल और भी ट्रैक्टर आए हुए हैं, ये ही ट्रैक्टर आपने क्यों लिया? ये इसकी तेल की एवरेज बढ़िया है, इसकी काम 17 करा है। कितने दिन हो गए जी आपको ये लिए हुए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये जैसे आप ये 18 तवो के हरों में इसको चला रहे हो, कितना तेल लेता है जी ट्रैक्टर? 3 लीटर। 3 एकड़ में? हाँ। और जो कल्टीवेटर में कितना लेता है जी? कल्टीवेटर में 2.5। दाई। और जो रोटावेटर में भी चलाया जी आपने? नाम ना जोड़े, उसमें 6 ले लेगा। 5-6 ले लेगा। और क्या संदेश है कोई आपका किसान भाइयों को, कोई संदेश हो आपका, कोई जानकारी हो कि HMT लेना चाहिए? ये तेल की एवरेज बढ़िया है, टूट फूट घाट है, सस्ता स्पेयर पार्ट है, हैं? इसके लिए थोड़ी पूंजी का है। कितने गियर में आता है जी ये ट्रैक्टर? 5 गियर में। ये 6 बैक्स। ये इसका हाई लो का? ये हाई लो का। ये दोनों यहाँ पे खुट्टी देख रहे हैं आप, ये हाई लो की और ये जो है इसकी लिफ्ट उठाने गिराने के लिए यहीं पे दे रखे हैं। पुली का भी लिफ्ट है दोनों का। अच्छा, पुली का भी यही काम करता है और लिफ्टों का भी यही काम करता है। ये इसकी क्लच, ये डबल क्लच के साथ जो दोस्तों ये ट्रैक्टर आता है, ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये डबल क्लच है यहाँ पे HMT 5911। ये पीछे के जो टायर हैं 16 के टायर हैं जी इसके, 16x28 के पीछे के टायर हैं और आगे के जो टायर हैं, आगे के जो टायर हैं 6x50x20 के इसके आगे के टायर हैं। 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है। दोस्तों आसानी से सिंगल पीस बोनट के साथ ये ट्रैक्टर है। आजकल आते हैं ट्रैक्टर सिंगल पीस वाले, लेकिन ये 1985 मॉडल है, उस टाइम पर भी ये जो है सिंगल पीस जो उन्होंने बनाया था। मोटी जाली का इसके अंदर रेडिएटर है, जिससे कि ट्रैक्टर की ये जाली है, रेडिएटर है, ये चोक नहीं होगा, लंबे समय तक ट्रैक्टर हमारा चलता रहेगा। और ये इसका एयर क्लीनर, ऑयल का जो है इसका एयर क्लीनर है। और 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है, आप देख रहे हैं 4 नोजल लगी हुई है इसमें, ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। और एयर वाटर कूल्ड इंजन के साथ ये ट्रैक्टर आता है, ये वाटर से ही जो है ठंडा होता है ट्रैक्टर। ये इसका पंप, 4 नोजल इसके अंदर लगी हुई है, ये जो साइलेंसर है
साइड में, और ये इसमें दो फिल्टर दे रखे हैं, नीचे ये ग्लासी दे रखी है जिससे कि पंप की लाइफ अच्छी चलती रहे, पंप के अंदर कोई भी शिकायत ना आए। इसका जो फ्यूल टैंक है दोस्तों वो 65 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। आप इसमें देख सकते हैं ये गियर, ये हमने आपको बताया था, ये इसका क्लस्टर मीटर, ये देख रहे हैं क्लस्टर मीटर, पावर स्टेयरिंग के साथ ये ट्रैक्टर है। नीचे ये इसका पावर स्टेयरिंग, सिंगल एक्टिंग जैक के साथ इसका पावर स्टेयरिंग आता है, और सुपर सीडर को भी ये ट्रैक्टर जो है उठा लेता है, आसानी से उठा लेता है। ये इसके मुरगार्ड, 16 के टायर, और पीछे की तरफ ये इसकी लिफ्ट, ये एडजस्टेबल हुक, ये इसकी पीटीओ, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है। बहुत ही, आप पीछे का ये गियर बक्सा देखो, इसका जो पीछे का जो ईपीआई है, कितनी हैवी ईपीआई के साथ ये ट्रैक्टर है। सारी जो लाइटें वगैरह सारी जो है काम करती हैं। ये मुरगार्ड में देखो गियर बॉक्स, जिसका एडजस्टेबल हुक, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर। तो ये टूल है यहाँ पे, जो पायदान के नीचे टूल है, जहाँ पे आजकल ट्रैक्टर में बैटरी आई हुई है, यहाँ पे जो है टूल आता है इसका। और ये इसका हाइड्रोलिक का पीछे की जो लिफ्ट है, और जो ये पावर स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग का अलग से पंप इन्होंने रखवा रखे है। ये इसका अल्टीनेटर, ये इसका इंजन ऑयल का फिल्टर, ये यहाँ इसकी स्लब, और ये यहाँ पे जो है इंजन, ये जो पावर स्टेयरिंग की अलग से जो है फ्यूल हाइड्रोलिक, और ये इसके ब्रेक, ये यहाँ पे बैटरी है इसकी, नीचे इधर वाले पायदान पे। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, बहुत ही गजब का 1985 मॉडल। सामने की तरफ लाइटें, आवाज़ देख सकते हैं आप इसकी, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने हर एचपी के ट्रैक्टर का 60 HP, 55 HP, 70 HP, 90 HP AC कंबाइन मशीन हर वीडियो हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।